जमाना हो हो बदलिया जमाना बदलिया जमाना हाँ हाँ बदलिया जमाना बदलिया जमाना हो हो बदलिया जमाना बदलिया जमाना हाँ हाँ बदलिया जमाना अगरा दे जंतर ने हिंदी दे मंतर ने अगरा दे जंतर ने हिंदी दे मंतर ने खोलिया खजाना हाँ हाँ खोलिया खजाना बदला जमाना हाँ हाँ बदला जमाना रेंदे फुटपाथा ते जांदे नहीं जाता ते असी सारे कट्ठे हाँ गमाते बाराता ते असी सारे कट्ठे हाँ गमाते बाराता ते रेंदे फुटपाथा ते जांदे नहीं जाता ते असी सारे कट्ठे हाँ गमाते बाराता ते असी सारे कट्ठे हाँ गमाते मैं क्या उठ जा हूं आज राम सेवक दी अस्पतालों छुट्टी होनी है ओ तारो तारो जब भी मैं कोई सोना सपना देखना है तो तभी मैंने उठा लेनी है साड़ी प्रेस कर रहा सी या फिर देख फिर ओयो तेरी टाटर है कदी तक चुप रहा कर कई दिनों तो कोई काम नहीं सी प्रेस भी ठंडी पई हुई है जा जाके कोठी तो कपड़े इकट्ठे कर लिया ताकि कुछ कमाई शमाई करिए साडे गरीबा लिए इस तो वधिया सपना की हो सकता ठीक कहंदी है तारो नमस्ते माँ जी ठीक हो ना तुहाडी तबीयत तो ठीक है किवें आए अज बस रोज तुसी आंदे सी मेरे नाल अज मेरा भी जी कीता कि मैं तुहानू मिल आवां बहुत चंगा कीता बैठो चाह पियोगे नहीं तू इत्थे आई क्यों आ तू डॉक्टर नहीं है नहीं माँ जी मैं तो टीचर हाँ पढ़ाउनी हाँ साक्षरता मुहिम के तहत पढ़ लिख के छोटी मोटी दवाई तो कोई भी दे सकता है अच्छा चंगा थी चंगा तुसी सब बाहर क्यों खड़े हो अंदर आओ ना तुसी मैनू सरला दीदी कह सकते हो दीदी तुसी मैनू पढ़ाओगे ताकि मैं भी अपनी माँ नू दवाइयां दे सकां जरूर और आज तो ही पढ़ाना शुरू कर दांगी इन्हां नू कह दे दियो उधर पीछे भी तू ठीक है ना हम इसीलिए यहाँ आते हैं ताकि आपको पढ़ा सकें जो लोग स्कूल नहीं भी गए हैं वो भी पढ़ सकते हैं हमारे यहाँ आ सकते हैं ठीक है ना तुसी सारे पढ़ाई दे बड़े ही शौकीन निकले अपनी मेहनत ते लगन नाल तुसी अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली आज तुसी सारे पढ़ सकते हो हुन मैं एक दूजे पिंड विच ऐसे काम दा बीड़ा चुक लिया है पर तुसी सारे मैनू बहुत याद आओगे बहुत याद आओगे सलाम सलाम पुत्र सलाम और सब ठीक है
रिजवान पुत्र इतों डेढ़ दो मीलों की दूरी से ना एक मजूर की होर बस्ती बस गई है। तो उत्थे एक बहुत वड्डी बिल्डिंग का काम चल रहा है जरा दो तीन साल चलूगा तो तू उत्थे भी जाके चक्कर ला आई ठीक है ना। तो वैसे तो तेनों कोठियों के काम मिल ही रहे होंगे। हाँ चाचा उधर भी चक्कर ला। हाँ पुत्र जरूर ला के आई ठीक है फिर मैं चल रहा। सरला जी ये ना कोई झूठ है और ना कोई शक तुसी अपने काम नु जिस तरह अंजाम दिता है ओदी जिन्नी भी तारीफ की जाए घट है। ये तो मेरा फर्ज है जी पर ये तुसी भी साडा बड़ा हौसला वधाए। सच पूछो तो तुहानू वेख के मेरा भी हौसला वध्या। अज मैं तुहानू एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने वाली हाँ दस सकते हो। तुसी दस दिओ मजूरों नु जमीन दे अलॉटमेंट वास्ते तुसी जिहड़ी लिख पढ़ करदे रहे हो उस सिरे चढ़ गई है कल ही मैनू एमएलए साहब ने दसिया। सच्ची होर नहीं तो की ए देखो ए ता सी बस्तिया दे मजूरा लई खुशखबरी ते जेड़ी खुशखबरी मैं तुहानू हुण सुनाण वाली हां ओ तुसी सपने विच भी नहीं सोच सकदे। ओ केड़ी जी? अच्छा तुसी ए दसो तुसी गुरु सरपिंड दे रहण वाले हो ना? हां जी पर ओ तुहानू किने दसिया? खैर देखो ऐ ते मेरी गुरसर वाली जमीन दे कागज हन जेड़ी कि उत्थों दे जागीरदार ने मेरे प्यो तो धोखे नाल अंगूठा लवा के हड़प लई सी। आहो ओही ने उस जागीरदार ने माफी भी मंगी है ते अपना जुर्म भी कबूल किया है। पर तुसी उत्थों तक? सरला जी जदों मैं तुहानू पहली बार मिली तुहाडे काम करन दी लगन नू वेख्या तो मैनू तुहाडे विच दिलचस्पी पैदा हो गई। मैं तुहाडी सूह कढवाई ते मैनू पता लग गया ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਖਰਤਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਏ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ। ਸਰਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਇੰਨਾ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕੇਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਸਰਲਾ ਦੀਦੀ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਕਦੀ ਲੱਥੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਮਕਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬਸਤੀ ਚ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੇਰੇ ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਰਲਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨੇਕੀ ਚ ਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ। ਬਸ ਲਿਆਂਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਠੀਕ ਕਮਾਲ ਹੈ ਵੀ ਸਰਲਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦਾਰੂ ਤੇ ਛੁੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਓਏ ਛੱਡਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਅਰੇ ਅਮਲੀ ਦੇ ਅਮਲੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਦਾਰੂ ਛੁੱਟੂ ਤੇਰੀ ਛੁੱਟੂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੂਰਾ। ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ? ਵਾਹ ਵੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਨਮਸਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਮਸਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਜਮ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਾਮਕਲੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਾਂ। ਚਾਚਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਓਏ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੁਮਾ ਕੁਮਾ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਫਾਲਤੂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਰਫ 5 ਰੁਪਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਇਹਦੀ ਤੇ ਡੇਟ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ
तू इना पढ़ लिख गया? हाँ जी। साडा बेवकूफ है ना, ओदे नाल तो चंगा ही है ना तू। किदे नाल? ओ साडा सेल्समैन, ओ पुट्टी सीधी दवाइयां दे जांदा, तारीख देखदा नहीं हैगा। मैं ओदा मक्कू बनना अज। ले ते साफ साफ दस दियां, फिर इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। चल चल जा हुण। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से चा से छा से छतरी, जा से झा से टा से टमाटर। बहुत चंगा, हुन मैं तुहानू तुहाडी सेहत ठीक रखने लई कुछ जरूरी गल्लां दसणियां। सानू अपने आसे पासे किसी भी थां ते गंदा पानी इकट्ठा नहीं होण देना चाहीदा, ते गंदे पानी दे निकलण वास्ते चौड़ियां नालियां बनाउणियां चाहीदियां। जे तुसी चाहो ते अपनी बस्ती नू वेख के ओदे रख रखाव दे तरीके सीख सकदे हो। ठीक है, इस बिन मां प्यो दी कुड़ी नू तो वेखो, कमल नू हत्थां ते नचा रही है। ओए हुण तू पढ़ी लिखी है, तमीज नाल गल करिया कर। रामकली दे मां प्यो नहीं ओदे की होया? असी सारे उहनू बच्चे दी तरह पाले है। हुण बोल असली गल की है। ओ कमल है ना, ओदियां गल्लां ते ऐ कीड़ी वड्डी गल आ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਈ ਆਪਣੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਲਕੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਮਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤਦ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਆ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨਾ ਖਾ, ਚੌਲ ਬਣਾਈ ਦੋ ਖਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਉੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸੋਚ ਕੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਬੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਿਆ ਰਿਬਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨਿਆ ਕਲਿੱਪ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਫਿਕਰ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦੇ ਕਿ ਕੁੜੀਓ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜਾਵਟ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਜ ਗੱਜ ਕੁੰਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸਮਝੀ? ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕੱਪ ਚਾਹ ਪਲਾ। ਚੰਗਾ ਕੁੜੀ ਰਾਮ ਗਲੀ ਲੱਗਦੀ ਚੰਗੀ ਬਲੀ। ਵਾਹ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਚੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਵਿਤਾ। ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਸੁਗਟ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰੀ ਪੋਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ? ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਲਾ ਭੈਣ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੰਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੋਮਵਰਕ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ? ਹੋਮਵਰਕ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸਟਰ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਕਮਰਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਨਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜਨਗੇ ਤੇ ਫੀਸ ਵੀ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਰੋਂਦੀ ਪਿੜਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਵੇ ਖਸਮਣਕਾਣਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਚਾ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਨੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਹੀ ਇਹ ਪਈ ਆ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੈਸ। ਰਾਮ ਸੇਵਕ, ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਬੜੀ ਲੜਾਕੇ ਜਨਾਨੀ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੜਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪਾਊਡਰ ਨਾਲ ਧੁਲਾਈ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਮਾਇਆ ਚਾੜ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿ ਲਾ ਦੇਈ, ਛੱਡ ਤੇ ਟਰੰਕ ਚ ਕਰ ਦੇਈ ਬੰਦ, ਉਤੋਂ ਲਾ ਦੇਈ ਜੰਦਰਾਂ, ਫੇਰ ਬੋਲੀ ਜੈ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਕੀ।
मैं क्या पर ऐ काम करी शाम नू दो कोटा ला के चंग देरा टोन हो के गल सुन हां तू मेनू फिर पीन दा जोश दवा रहे है मैं पीने छड़ दित्ती आजकल और मैं क्या अड्डा बड़ा झूठ संभालो अपने पुत्र तोते नू चंगी तरह पिंजरे च बंद करके रखिया करो पहला ध्यान नहीं देंदे ते बाद च रोंदे हो वाह ना की रखे तोता आराम ओ उड़ेगा नहीं ते जम के बैठू तुसी पहला ए दसो ए लभया कित्थों तुहानू पुछदे हो लभया कित्थों है ओ लफंगियां नाल जुआ खेड रिया सी दो रखियां कन ते ते फल के लिया साइकिल ते संभालो अन्नू इधर इधर जुदा पट्टा कित्थे जुआ खेलदा सी है दस दस मिनट कित्थे जुआ खेलदा सारे तालाब विच इक अइयो मछली गंदी है देखो जी मेरे पुत्र नु ना तुसी गंदी मछली ना आखो क्यों ना आखो इस वेले तो तन्नू एक गल बड़ी बुरी लग रही है जिस वेले सारा मोहल्ला थू थू करेगा किस किस दी जुबान फड़ेगा अदरा ओए हो तो क्या हां जी चाचा जी तू सीधा होना नहीं होना हां पढ़ेगा काम करेगा काम करांगा नसेगा तो नहीं जे बाबू शराब ना पीवे मां दे नाम ना लेवे मैं कदी ना नसांगा एना दे लड़ाई च मेरा सिर घूम जांदा है सुनया ओ सुनया ओ हुन तो होश कर दसो की जुबान आ गया ओ लड़ते असियां ते नसदा पुत्तर है ओए मखोल दा टाइम नहीं हैगा इधरा पुत्तर इस तरह कर ना तो के तैयार हो जा समझिया ते मैं तन्नु शंभू दी दुकान ते छड़ के आना उत्थे जाके पंचर लान दा कम ते साइकिल दी मरम्मत दा कम सिख ले ते इत्थे ला ली ठिया थोड़ा चंगी चल रही है समझिया इनु ना तो के तैयार कर दो क्यों वे तोतिया किथे गया सी है कुछ होश है तन्नु जद देखो आवारा गर्दी करदा रहंदा है ए देख कपड़ां दा की हाल कीता है चल चल के नवामा तेन कुछ खवा खवा दे बेचारे नु तू भी बिच मरया कर ओदे ये कोठियों च कोई परेशानी ते नहीं नहीं हां ये खुद ठीक रही जी ते सब चंगा भला रहंदा असी भी सोचदे हां असी काम करना है ते ओना ने पैसे देने हैं सानू ओना दी लोड ओना नु साडी लोड ते असी क्यों ना हसदे खेलदे काम कर लिए मर्दां दे काम भी ठीक ने पहले किसी को पैसा रोकता ही नहीं सी सारे मंगते फिरते सी ते हुण पढ़ाई लिखाई नाल बरकत आ गई है आज सरला दीदी दी बड़ी याद आ रही है ना ते उन्हां दी कोई खैर खबर है ते ना ही कोई चिट्ठी आई है हां लगी होनी है साडी तरह दूजे अनपढ़ां दी जिंदगी सवारन मैनूं ते कोई देवी जानदी है अम्मा 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 सब ठीक हो जाएगा अम्मा 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 कुछ तो हो अम्मा अम्मा माँ जी की मौत की खबर सुन के बड़ा दुख लगा है बड़ियां दा सिर ते साया ही बहुत हुंदा है तुहाडे रस्ता वखान नाल ते साडे दुख आपस में जुड़ के सुख की चादर हो गए ने देखो साडा जमाना ही बदल गया है हुण असीं सारे बहुत खुश हाँ दीदी जी कभी साडे पिंड भी चलना जरूर अपने पिंड का पता दस दियो जदो भी मौका लगा असि जरूर आवांगे उत्थे सब बहुत खुश होंगे दीदी जी मैं तुहाडे लई ये चादर सीती है सर्दियां च पाऊंगी तू तो मेरा बड़ा ही ख्याल रखना रिजवान पुत्र रामकली किथे है रामकली कोल तो नहीं ओते पिंड पिंड जाके बच्चियां नु ते बड़ियां नु पढ़ाउंदी है अच्छा है ते बहुत चंगी गल है उन्हें ते कमाल ही कर दिता ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਐਸੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋਰ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ
एक वह भी दिन सी जो तो मैं इतने पहली बारी आई थी और एक अज का दिन है, पर आज से मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आई हूं। ओके कि तुम्हारे सारे दे राशन कार्ड बन रहे ने। और उसमें भी एक बड़ी खुशखबरी होर भी है, वो है कि तुसी एक एक दो दो कमरे अपने लिए पा सकते हो। ओदे लिए हुन पैसे जोड़ने शुरू कर दियो क्योंकि तुहानू सारियां नू जमीन अलॉट हो गई है। हां जी खबर सुनो, अनधिकृत बस्तियों के लोगों को नई सरकार से बड़ी आशाएं। ऐ भी सुनो, बहुत चंगी खबर है, साक्षरता अभियान चलाने हेतु सरला बहन को राष्ट्र के सर्वोत्तम सम्मान से पुरस्कृत किया गया। देखो ये फोटो भी छपी है, देखो देख श्यामा। तुसी वेख्या सरला दीदी ने दूजी बस्ती विच अपनी थां बनानी शुरू कर दिती, बुजुर्गां नूं दवाइयां दित्तियां ते सब नूं दस्या कि पढ़ाई किन्नी जरूरी है। बच्चियां विच भी दिलचस्पी पैदा हुई ते उत्थे भी साक्षरता मुहिम शुरू हो गई। सरला दीदी दे व्यक्तित्व ने मालकिन नूं शुरू तो ही प्रभावित कीता सी, इसे लई मालकिन ने पर्दे दे पिछे रह के उस दी हर तरह दी मदद कीती सी। अज मालकिन ने सरला दीदी नूं जदों उस दी गुरुसर पिंड वाली जमीन दे कागजात दित्ते तां सरला दीदी दंग रह गई, उस दी खुशी दा ठिकाना नहीं रहा। सच सरला दीदी भी ते निरखरता दी मारी होई सी, ताइयों ते ओ चाहुंदी सी कि कोई निरखर ना रवे, अनपढ़ बंदे नूं ते कोई भी धोखा दे सकदा है। बस्ती दे मजदूरां ने रामकली नूं स्थाई तौर ते लोकां नूं पढ़ाउण दे काम विच ला के सरला दीदी दे कदमां ते चलण दा फैसला कीता। प्रीतम ने शंभू कालू रामू ते बल्लू नूं धमकी दित्ती कि जे तुसी लोकी नहीं पढ़ोगे ते मैं तुहाडे नाल कोई रिश्ता नहीं रखांगा, तां उहनां ते असर पिया ते उहनां ने भी पढ़ना शुरू कर दिता। प्रीतम ने दवाई दा रेट ते डेट पढ़ के केमिस्ट नूं हैरान कर दिता। अज रामकली ठीक उसे तरह लोकां नूं पढ़ा रही है जिस तरह कदी सरला दीदी ने उस नूं पढ़ाया सी। गंगू मेहरू कोलों पुछदा है कि वह बेटी शिक्षा नूं सारे टीके टाइम ते लगवा रही है ना, ते वह दसदी है कि सरला दीदी सारा कुछ समझा के गई सी। उधर तो भी रामचरण दे मुंडे तोते नूं प्रीतम ते सुंदर फड़ के ले आंदे ने। विगड़िया होया तोता यह कहिंदा है कि प्यो पीणा ते मां नाल लड़ना छड दवे तां वह भी सिद्धा हो जाएगा। गंगू दी मां दी मौत हो जांदी है, जदों सरला नूं यह पता चलदा है ते वह गंगू कोल अफसोस करन आंदी है ते बाकी सब नाल भी गलबात करदी है। रामकली दे बारे सुन के खुश हुंदी है ते सारयां नूं राशन कार्ड बनन ते जमीन अलॉट होण दी खुशखबरी भी दिंदी है। अखीर विच तुसी वेख्या कि सरला दीदी नूं साक्षरता मुहिम लई सब तो उच्चा इनाम ते सन्मान दिता जांदा है। सच जिहड़े लोकी साक्षरता दे प्रति इन्ने समर्पित होण ओही इन्ने उच्चे सन्मान दे हकदार हुंदे ने। अज असी मिलदे हां हरियाणा दी शीला पंचाल नूं। मेरा नाम शीला पंचाल है, मैं पहले अनपढ़ थी, फिर मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था, घर में बहुत सारे कारण थे जो मैं पढ़ नहीं पाई। चार बहनें हैं मेरी, तीन भाई हैं, और फिर अभी 5 साल पहले मैंने साक्षरता के बारे में सुना, हमारे पड़ोस में एक सेंटर खुला उसमें मैं पढ़ने जाती थी। फिर वो कुछ दिन सेंटर चला, कुछ दिन क्या साल भर में चला,
तो उस सेंटर में जितनी औरतें पढ़ती थी, कुछ उनको पढ़ना आया, कुछ नहीं पढ़ना आया। तो सबने मिल के कहा भाई हम तो पढ़ना चाहते हैं, अब क्या करें। तो हमने मिल के सबने एक सेंटर अपने घर में खोला, तो सब औरतें वहाँ पे पढ़ने आने लगी। समय समय पे हमारे यहाँ पे गांधी मार्केट में कपिल सर रहते हैं, ये यहाँ के कोऑर्डिनेटर हैं, वो आते थे हमारे को कोई परेशानी मतलब कोई ज़रूरत पड़ती, हम ये करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं, वो आके बता देते थे हाँ शीला ये कर लो हम तेरे साथ हैं। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते रहे और सबको पढ़ाते रहे और सिलाई भी सिखाई, कढ़ाई सिखाई, जो भी जो सीखना चाहता है मैं सिखाती हूँ। मैंने खुद भी सीखा सिलाई, सिलाई पढ़ने के बाद मैंने डिप्लोमा किया सिलाई का, पेंटिंग का किया, बहुत सारे डिप्लोमे मैंने कर लिए। अब मैं कोई भी काम हो सब करती हूँ। अब मैंने दुकान खोल ली है। जन करने की मन करने बोले आप